हेलो स्टूडेंट, आज हम स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो स्प्रिंग एक इलास्टिक मेंबर है जो डिफार्म होता है लोड की वजह से। तो लोड की वजह से कुछ ऐसा डिफार्म होता है कि लोड की वजह से या तो स्प्रिंग पे बेंडिंग मोमेंट आता है या तो टार्जनल मोमेंट। तो अब बेंडिंग मोमेंट और टार्जनल मोमेंट की वजह से इस स्प्रिंग को दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है बेंडिंग स्प्रिंग, एक होता है टार्जनल स्प्रिंग। तो बेंडिंग स्प्रिंग होता है, ये बेंडिंग मोमेंट पे सब्जेक्टेड होता है और स्ट्रेन एनर्जी जो इसमें होगी स्टोर वो बेंडिंग मोमेंट की वजह से आएगी। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बेंडिंग मोमेंट की वजह से स्प्रिंग के स्प्रिंग या किसी भी मेंबर में जो एनर्जी स्टोर हो सकती है वो कितनी होगी। और उसी तरह टार्जनल स्प्रिंग में ये सब्जेक्टेड होता है ट्विस्टिंग मोमेंट पे और स्ट्रेन एनर्जी भी ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से आती है। और जो हेलिकल स्प्रिंग होता है वो टार्जनल स्प्रिंग भी उसी को बोलते हैं। तो हेलिकल स्प्रिंग दो तरह का होता है। हेलिकल स्प्रिंग जो होता है, एक वायर जो क्वाइल्ड वायर होते हैं, जो मुड़े हुए वायर होते हैं किसी किसी रेडियस में, तो वो एक हेलिक्स की टाइप में मुड़े होते हैं। तो दो तरह के होंगे, एक होगा क्लोज्ड क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग और दूसरा होगा ओपन क्वाइल्ड हेलिकल स्प्रिंग। अब इसको हम डिटेल में आपको बताएंगे कि क्लोज क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग क्या होगा, ओपन क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग क्या होगा। तो जो क्लोज क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग होता है उसमें क्वाइल्ड कुछ ऐसे, जो क्वाइल्ड में जो वायर लगते हैं तो वायर कुछ ऐसे बाउंड अप होते हैं कि उसके पिच बहुत कम होता है। उसका पिच जो होता है, एक फिगर से आपको मैं पिच बता देता हूँ कि पिच क्या होता है। एक स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग के ये टर्न्स हैं, कितने टर्न्स हैं, तो इसमें देख पा रहे हैं 1, 2, 3 और 4 टर्न हैं। और इसके जो पिच होते हैं एक टर्न से दूसरे टर्न के बीच की दूरी, उसको बोलते हैं पिच। तो है, तो ये जो पिच लेंथ होता है ये क्लोज क्वाइल में बहुत माइनर होता है, बहुत स्मॉल होता है, इसकी वजह से ये बेंड नहीं हो पाते हैं। और जो ओपन क्वाइल होता है उसमें पिच एक सफिशियंट डिस्टेंस या हाइट होता है, स्पेस होता है इसमें, जिससे ये बेंडिंग भी होगा इसमें और ट्विस्टिंग भी होता है। तो अभी हम बताते हैं आपको क्लोज क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग के बारे में। तो क्लोज क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग में एक हम कंसीडर कर रहे हैं क्लोज क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग, और ये कैरी कर रहा है एक्सियल लोड, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सियल लोड W जो कैरी कर रहा है इसके नीचे। और इसका जो रेडियस है, मीन रेडियस जो है इसके क्वाइल का, वो है इस कैपिटल R। तो यहाँ पे D है डायामीटर ऑफ द रॉड, जो जिस रॉड का ये वायर का बना होगा उस वायर का जो डायामीटर स्मॉल d, और R है मीन रेडियस जैसा मैं बता दिया। N है नंबर ऑफ टर्न, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न होंगे 1, 2, 3 और 4। और उसके बाद GRC जिसको आप CR मॉडुलस भी बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और डेल्टा है डिफ्लेक्शन, जो डिफ्लेक्शन होगा उस लोड की वजह से। और S है स्टिफनेस, स्टिफनेस मतलब होता है, आपको बताया था मैंने कि पर यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए कितने लोड की ज़रूरत होगी, वो स्टिफनेस होता है किसी भी मेंबर का। तो अगर हम निकालें ट्विस्टिंग मोमेंट या टार्क कास्ट बाई एक्सियल लोड, तो होगा T = W × R। W लोड है और डिस्टेंस इसका R है। उसके बाद मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जैसा कि आपने शियर स्ट्रेस के इक्वेशन में, जैसा कि आप देखे थे टार्जनल इक्वेशन में, तो टार्जनल इक्वेशन में T = T/ZP। ZP आपको पता है I/Y होता है। तो यहाँ से जो है टाउ की वैल्यू, टी की वैल्यू W × R और ZP की वैल्यू π/16 d/3। तो यहाँ से ये था 16 WR/π d³। ये है शियर स्ट्रेस का फार्मूला यहाँ पे स्प्रिंग के लिए। अब आपको अगर लेंथ ऑफ द रॉड निकालना है, तो लेंथ ऑफ द रॉड कैसे निकलेगा, अगर हम ये एक क्वाइल का अगर हम पेरीमीटर पता कर लें और नंबर ऑफ टर्न पता लगा लें तो हो जाएगा। तो पेरीमीटर इसका क्या होगा, पेरीमीटर आपको पता है 2πr होता है पेरीमीटर, और इंटू अगर नंबर ऑफ क्वाइल से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल जो इसके लेंथ है, अगर इसको सीधा स्ट्रेट नापते तो जो टोटल लेंथ निकलता है होता है 2πrn। वर्क डन जो होगा स्प्रिंग में, अगर डिफ्लेक्शन के टर्म में वर्क डन, तो आपको पता है कि अगर डिफ्लेक्शन हो किसी लोड की वजह से हो रहा है तो वर्क डन होता है ½W × δ। अब हम देखेंगे स्ट्रेन एनर्जी जो इसमें आती है, तो स्ट्रेन एनर्जी स्प्रिंग में आती है U = τ²/4C×βu। तो टाउ स्क्वायर, जैसे आपको मैंने बताया था कि बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी डेवलप होता है, स्टोर होता है, वो होता है σ²/4G। तो सिग्मा यहाँ पे शियर स्ट्रेस की वजह से होता है, तो इसलिए τ²/4C/4G×βu, मतलब टोटल स्ट्रेन एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, टोटल स्प्रिंग के अंदर जो भी स्ट्रेन एनर्जी डेवलप होगी। अगर आपसे पूछा जाए पर यूनिट वैल्यूम में कितना होगा, तो पर यूनिट वैल्यूम में होगा
और सी। तो यहाँ से यू इज इक्वल टू आता है 32 डब्ल्यू स्क्वायर आर क्यूब एन पर पावर सॉरी डिवाइडेड बाय सी डी पर पावर 4। अब आपको ये भी पता है कि स्ट्रेन एनर्जी जो भी स्टोर होता है वो टोटल वर्क डन के बराबर होता है। तो अगर हम टोटल वर्क डन जो हमारा हाफ डब्ल्यू इंटू डेल्टा को इससे इक्वेट करें तो यहाँ से हमें ईजिली फाइंड हो जाएगा डिफ्लेक्शन कितना होगा डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू आती है 64 डब्ल्यू आर क्यू एन पर बाई सी डी पर पावर 4। ये इसके फार्मूले हैं, डिफ्लेक्शन का फार्मूला, स्ट्रेन एनर्जी का। अब हम देखते हैं स्टिफनेस। स्टिफनेस आपको पता है, स्टिफनेस होता है लोड अपॉन डिफ्लेक्शन। लोड आपको पता है डब्ल्यू लग रहा है और डिफ्लेक्शन अभी आपने ऊपर यहाँ पे फाइंड आउट किया है। तो जहाँ ये टोटल जो स्टिफनेस आएगा ये यहाँ से हो जाएगा सी डी पर पावर 4 डिवाइडेड बाई 64 आर क्यू एन।